हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। भत्रा भाई मत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरी पहली वीडियो प्रेमी को किस किस तरह देखने को बहुत प्यार किया है, लाइक किया है और कमेंट किया जी भर कर। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ जो हम आपसे वीडियो शेयर करते हैं वो कि ना कोई इंटरनेट से ली गई जानकारी होती है, बिल्कुल ओरिजिनल होती है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ प्रेमी के बारे में, प्रेमी को सपने में किस तरह आप देखते हैं, प्रेमी को किस तरीके कैसे आपको दिखता है, एक्स पुराना बॉयफ्रेंड आपको दिखता है, पुरानी गर्लफ्रेंड आपको दिखती है, तो उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो सिर्फ कमेंट पे बनाई है। जो लोगों ने मेरे को कमेंट किए उनके जवाब इस वीडियो में दिए, बट मैंने उनके नाम नहीं बताए, लेकिन सिर्फ उनके जवाब में इस वीडियो में बताया है कि जिस ने मेरे को कमेंट किया था। दोस्तों, आप भी इस वीडियो को कमेंट करें अपने सपने के बारे में, तो अगली वीडियो आपके नाम की हम बनाएंगे। सपनों में अगर आप अपने प्रेमिका को सफ़ेद कपड़ों में देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलने वाला है और आपकी लाइफ में धन लाभ होने वाला है। सपने में अगर आप अपने प्रेमी को गुस्सा होते देखते हैं, दोस्तों जैसे कि सपने में आप पे आपका प्रेमी गुस्सा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि वो आपको सच्चा प्यार करता है। अगर सपने में आप अपने पुरानी प्रेमी को देखते हैं, तो इसका क्या कारण है। दोस्तों, इसका कारण तीन तरीके का हो सकता है। या तो आप अपने सपने में पुराने प्रेमी को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पुराने प्रेमी को याद करती हैं, आप अपने पुराने दिनों को याद करती हैं या उनके बारे में सोचती हैं, या आपकी लाइफ में पुराने प्रेमी के साथ जो टाइम बिताया हुआ है वो आपको याद आता है। अपने प्रेमी के गले लगने का मतलब ये होता है, या तो आपको प्रेमी आपसे दूर रहता है और आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, और या आप प्रेमी को सच्चा प्यार करते हैं, तो इसलिए आपको उनके बारे में सपने आते हैं। सपने में प्रेमिकों को किस कर रहे हैं, तो आपको उनके मन के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।